तो मैं अभी इतना जल्दी साथ थोड़ी करने वाला। मम्मी वन साइड, मेरे साइड। चल मम्मी आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। ओके गाइस, तो अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं बनारस के लिए। टाइम तो 12 बज चुका है, धूप भी बहुत है। मैं घर में थोड़ा सा आराम करो और रुलाता तो वगैरह नाश्ता करने जा रहे हो। वापस से एक बार हो गया था, फिर वापस से खाने के लिए कुछ जा रहे हैं। क्या बनाए कुछ आइडिया नहीं, मतलब नाश्ता ही कुछ बना रहेगा क्योंकि रुलाता तो इतना टाइम पेट भर खाते हैं नहीं। अरे यार, गाँव आने के बाद सच बोलूँ तो जाने का मन नहीं करता। गाँव में पैदा हुए है, गांव में हमने 12वीं तक 10वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद मुंबई में गया, डिप्लोमा किया, फिर मुंबई में रह गए। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके जाती है, देखो अभी कहाँ और कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। चलो यार, अभी फिर मम्मी पापा भैया बच्चे सब लोग बैग वगैरह बाहर रखो। सब बच्चे बोल रहे चाचा मत जाओ, चाचा मत जाओ। उनको क्या बोलो, उनको क्या पता, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे चाचा पैसा दे देना। कोई बोल रहे पैसा दे दो और चले जाओ, और कोई बोल रहे नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप रुको। ओके यार, देखते दादा उदा नाश्ता कर रहे, मैं भी कुछ करता हूँ, जाने दो, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। दादा मेरे खाने का कुछ ही रहा था। हेलो। नहीं यार, लुल्लू लुल्लू बेटी, अबे इधर देख इधर। अरे अरे बेटी 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 टाटा करो लुल्लू मुल्लू लुल्लू। अरे अरे बेटा मार रहे। अरे 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 बाप रे, गुस्सा है बेटा। चलो भाई लोग, चलो हाथ मिलाओ। रात तू अलग से मिला यार, तू बेटा सब बढ़िया। चलो चलो बाय बाय। चलो भाभी, इसी घर में जब भी आया था, स्टार्ट में इसी घर में थे, अभी निकल रहा हूँ, फिर भी इसी घर में आ जाओ। आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दो, जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। चलो भाभी आप भी आशीर्वाद दो। हमेशा हंसता रहता हूँ, लेकिन बच्चों बाय, आशीर्वाद दो इसी के साथ। हाँ देखो, अभी पिताजी ने बताया इधर कोई है मिस्टर, मर लिया। तो मैं अभी इतना जल्दी साथ थोड़ी करने वाला। मम्मी वन साइड, मेरे साइड। चल मम्मी आशीर्वाद दे, उनको नहीं लगता है क्या तुम शादी करना चाहिए। चलो महेश बाबू, चलते उल्लास दादा। चलो उल्लास दादा बाय बाय, मिलते। अमित भाई चलो चलो मिलेंगे मुंबई में। चलो चलो फैमिली फैमिली राज बेटे, रुको अभी और इतना लंबा होने का फायदा हो गया। चलो मिलेंगे, अभी फुर्सत से आएंगे, अभी मेरे शादी में डायरेक्ट 2030 में। स्ट्रीट साइड ना, ये रहती है परदेसी वाले की जिंदगी। परदेश में रहने वाले की जिंदगी झंड हो गई है, घर पे रुकना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। चलो देख, बड़ा अच्छा लगता है यार सच्ची बात है। ना भी देखो बहुत तकलीफ होता दादा, इसके लिए जल्दी आता ही नहीं। उतरने दो पहले। ओके गाइस, अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं बनारस।
ओके गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन। बहुत बड़ा सीन हो गया, जो हमारी टिकट थी एयर इंडिया की किसी रीजन से कैंसिल हो गया है कल का, और कोविड का चलते हुए बहुत सी चीज़ें मिसिंग हो रहे हैं। अगर आप बनारस में आते हो, अगर आपको घूमने से टहलने से कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, तो हमारे एक अंकल है। अंकल आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। आप इनको कांटेक्ट करो। आप 10 दिन अपन साथ में रहे, नाम पता नहीं तुमको, भूल जाएगा। उनके मुंह से सुनना था। हाँ वही ना, उनके मुंह से अच्छा लगेगा। आपको पता है, अगर आपको कभी घूमना हो ना बनारस में, तो मैं इनका कांटेक्ट वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप कांटेक्ट करके आ जाओ कभी भी, और कितने भी लोग कितने भी लोग भी आ जाओ। और आपको और यहाँ पे ऐसा मैनेज करते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। अंकल को बोलोगे तब आएंगे। आप लोग वेलकम है, जब आइए काशी फोन करिए, और 24 आवर्स जो है सर्विस देते हैं। 50 है, 100 है, 200 है, 24 आवर्स के लिए। और सर्विस ऐसा देते हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं यार, सच में एक नंबर है। ये गाड़ी देख के इनको जज मत करो। आप आओ, हमारे गणेश भाई आपने छोटे मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको स्टेशन दिखाता हूँ वाराणसी। ओके 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 गाइस, फाइनली ट्रेन मिल गया है और हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए। उल्लास जी वहाँ पे बैठे, फ्लाइट का टिकट कैंसिल होने के बाद ये हाल देखो। बोले भाई अपने को मुंबई पहुँचने कैसे भी कर। और ये देखो अमित भाई यहाँ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, मैं सब बोगी चेक किया, एसी का जो डिब्बा है वो सब बुक है, और जर्नल खाली है, बाकी सब बुक है, सब बुक है। हम लोग पहुंचने वाले हैं मुंबई, थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे। 24 घंटे के तकरीबन हमें लगा, हम कुछ शूट नहीं किए रास्ते में, बस सोए 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 आ रहे थे क्योंकि हम लोग थके हुए थे और थोड़ा सा ठंडा वाला माहौल था, तो पूरा रास्ता हम लोग सो के निकाले। ओके, और अभी कुछ टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पता है एक गुफा था थोड़ा सा, उस सब मैं बोला आपको दिखाता हूँ, बट ट्रेन ही रुक गया। देखते हैं ट्रेन चालू होते फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, गाइस तो अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं कहाँ पे, थाने। तो चलो अभी मिलते हैं डायरेक्ट अपन घर 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 पे। ओके चलो सर। ओके गाइस, फाइनली आ चुके हैं मुंबई। 10x12 का रूम है, 2 दिन मस्त सोए। और अभी 2 दिन बाद कितना बजे, मतलब 5 बजे मैं ये शूट कर रहा हूँ। 2 दिन से कहीं पे भी नहीं गया, घर पे ही था। और गाइस आपको एक बात बताना चाहूँगा, गांव जाने के बाद आने का मन नहीं करता, और इतनी बड़ी फैमिली रहने के बाद तो और भी मन नहीं करेगा, क्योंकि फैमिली में हमेशा हंसते खेलते, टाइम पे खाना मिलता है सबसे पहली बात। यहाँ पे तो हमें कुछ पता नहीं कब खाएंगे, खुद बनाना है, खुद खाना है ना। बट गाँव में बहुत मज़ा आया, उल्लास दादा को भी बहुत अच्छा लगा, और फिर हम लोग मुंबई निकल गए 2 दिन बाद। बट कोई नहीं यार, अगर लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का यार। महेश भैया का फ़ोन आ रहा है, बट आप लोग से बात कर लेता हूँ फिर उठाता हूँ फोन। ओके, तो हम लोग आपको मेन ज़रूरी बात ये बताना है, हम लोग ट्रेन से क्यों आए, ट्रेन से आने का रीज़न क्या। हम लोग जैसे ही बनारस पहुँचे बस से, और हमें तुरंत मैसेज आया, जो हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट था वो कैंसिल हो गया। मतलब उसमें कुछ मिला जुला के 7-8 पैसेंजर थे, कैंसिल कर दिया, और कोविड की वजह से। तो हम लोग सोचे यार अभी क्या करेंगे, हम लोग को निकलना ही पड़ेगा। तो हमने प्लानिंग किया चलो ट्रेन से निकल जाते। हम लोग आ गए स्टेशन आए, जब भी वाराणसी स्टेशन आए तो हमें पता चला कि एक ट्रेन है 8:30 बजे की। तो हमने टिकट काउंटर पे गया और हमें टिकट भी नहीं मिला। बोले टिकट नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट अंदर घुस जाओ, आप फाइन भर के जा सकते हो। तो हम लोगों ने अंदर घुस गया, और घुसने के बाद भाई देखा तो जर्नल डिब्बा पूरा खाली था,
हम लोग मस्त सोते हुए आए और बीच में हमें कोई टीसी नहीं मिला ना तो टीसी नहीं मिला और ना तो कोई चेक करने वाले मिले। हम लोग डायरेक्ट मुंबई पहुंच गए और ना तो कोई बंदा मिला, हम लोग कुछ फाइन भी नहीं भरे। तो बस इतना ही आपसे बात करना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।